गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को मानव डिजीज बायोलॉजी में ह्यूमन डिजीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको पता होगा जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम आप पढ़ते हो, विषाणु के द्वारा वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के नाम आप पढ़ते हो बट भूल जाते हो। तो क्या किया जाए कि न भूला जाए, इसके लिए बड़ा आसान सा हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका जरूर वो सारा का सारा चीज काम आएगा और एग्जाम में आप उसको कर पाओगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम। जीवाणु जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम, यानी कि आप देखिए माय डियर, क्या क्या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम आपको हम नेक्स्ट टाइम वायरस के द्वारा भी बताएंगे, विषाणु के द्वारा भी बताएंगे आपको हम। आज हम बैक्टीरिया का बता रहे हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा ह्यूमन डिजीज होता है माय डियर। इसके लिए आपको मेरा ट्रिक याद रखना है। ट्रिक कहता है कि देखिए, टिंकू नाम का एक लड़का है, आप ऐसे याद रखना, टिंकू नाम का एक लड़का है जिसको सीडी देखे हो ना आप, जिसमें हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, तो सीडी के अंदर उसको हम सप्लाई कर दिए, भेज दिए, तो टिंकू सीडी में चला जाता है। टिंकू नाम का एक लड़का है जिसको हम सीडी में भेज देते हैं, सीडी के अंदर, तो टिंकू जो है वो सीडी में चला जाता है। तो अब अंदर में जाने के बाद उसको करंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, पूरा जल भुन जाएगा, जल भुन के बाहर निकलेगा तो कह सकते हैं कि वो पटाखा बन गया। पटाखा जैसे पट से उड़ता है ना, वैसे टिंकू भी जल भुन जाएगा तो क्या करेगा, पट से उड़ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए टिंकू नाम का लड़का को सीडी के अंदर भेज दिए, अंदर जाके पटाखा बन गया, तो इसी से वो ट्रिक भी मेरा बन गया। क्या है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज के नाम याद कर लीजिएगा। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, सुनिए, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, आप इसको याद रखिए। अब यहां पे ध्यान से देखिए मरियर, ये जो आपको टी है तो टी का मतलब होता है टीटनस। टी बोले तो टीटनस, टेटनस के नाम से आप जानते होंगे, या टीवी भी, आप अगला जो होता है टी से वो टीवी भी होता है, तो टी से टीटनस भी हो गया और टी से टीवी भी हो गया। कुष्ठ से होता है हमारे कुष्ठ रोग, कु बोले तो ये है आपका कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या चर्म रोग आप इसको कह सकते हो माइडिया। तीसरा देखिए सी है, सी से होता है सिफिलिस, सिफिलिस, और ये देखिए डी है, डी से होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डी से होता है माइडिया। और मे से कुछ भी नहीं, बस वाक्य को सही करने के लिए, शूट करने के लिए मे का प्रयोग किए हैं। तो आपको बताएं, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, टी से टिटनस, कु से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस रोग, डी से डिप्थीरिया, मे से कुछ नहीं, बस से बोट्यूलिज्म होता है मरियर, बोट्यूलिज्म जिसको फूड प्वाइजनिंग के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। नी आप जानते होंगे, निमोनिया, नी बोले तो निमोनिया हो जाएगा, नी से निमोनिया। और है से हैजा, देखिए ये जो है से हैजा याद रखिएगा। प से प्लेग, जो चूहा के काटने से होता है प्लेग। और टा से देखिए टाइफाइड, ये टा से टाइफाइड है जो आंत का बीमारी होता है। और का से काली खांसी, ये आपका काली खांसी है माय डियर, का से काली खांसी। तो देखिए इस प्रकार से पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम, तो आप बोलिएगा टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, जिसमें टी से टिटनस या टीवी, कु से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, ब से बोट्यूलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, प से प्लेग, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी। और इस प्रकार से माय डियर, आप एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि टेटनस को धनुष टंकारी रोग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, धनुष टंकार। तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि धनुष टंकार के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो वो होता है माय डियर टिटनस। तो फिर से आपको बता दें, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम में क्या आप याद रखोगे, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, टी से टिटनस या टीवी, कु
कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, मे से कुछ नहीं, ब से बोट्यूलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, प से प्लेग, ता से टाइफाइड और का से काली खांसी। इस प्रकार से अगर एग्जाम में आएगा सवाल तो आप बना दोगे। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, निम्न में से कौन सा बीमारी जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होते। अब आपका देखो कंफ्यूजन वाला वर्ड देगा, क्या देगा, टिटनस देगा, कुष्ठ रोग देगा, सिफिलिस देगा और ये वो मेनिनजाइटिस दे देगा या कुछ और दे दे, मलेरिया दे दे। तो आप समझ रहे हो कि चलो भैया टिंकू सीरियम बनी में पटाखा में टीसर टिटनस था, टीबी था, उसे कुष्ठ रोग था, आपको इतनी सारी बातें याद हैं। जब इतनी सारी याद है तो एक तो आप आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे, तो इस प्रकार से आप आसानी से फाइंड आउट कर लेना। आज के लिए ये सेशन इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से एक नए ट्रिक के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।